फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक जीनी। तो चलो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं मोटरोला के लॉन्च हो चुके दो नए स्मार्टफोन्स के बारे में, जो कि है मोटरोला E5 एंड मोटरोला E5 प्लस। अभी ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं एंड वैसे देखा जाए तो मोटरोला E5 प्लस मोटरोला E4 सीरीज का एक सक्सेसर स्मार्टफोन है एंड इसके अलावा मोटरोला E5 प्लस मोटरोला E5 का एक बड़ा वर्जन भी है। अब देखा जाए तो ये मोटरोला E5 प्लस का सबसे बड़ा हाईलाइट ये है उसका बैटरी लाइफ, बिकॉज ये स्मार्टफोन में 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड कंपनी कह भी रही है कि ये स्मार्टफोन को एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाया गया है, बिकॉज बहुत ज़्यादा लोग आजकल यूट्यूब पे वीडियोस भी देखते हैं, इसके लिए बैटरीज भी बहुत ज़्यादा ड्रेन होती है। बट अब 5000 mAh देने की वजह से यूज़र्स को इतना ज़्यादा इशू फेस नहीं होगा एंड स्मार्टफोन की बैटरी लंबे टाइम तक भी चलेगी। एंड साथ साथ में दोनों स्मार्टफोन्स एकदम बजट रेंज स्मार्टफोन्स के तौर पे ही लॉन्च किए हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बट फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले इफ नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द लेटेस्ट वीडियोस। एंड जो फ्रेंड्स जिन्होंने ऑलरेडी मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड आशा है कि आप सब ये वीडियो एंड तक देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं मोटरोला E5 प्लस एंड मोटरोला E5 के फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो अगर हम स्क्रीन साइज से चालू करेंगे तो मोटरोला E5 प्लस में 6 इंच का स्क्रीन दिया गया है विद फुल HD डिस्प्ले, जबकि मोटरोला E5 में केवल 5.7 इंच का स्क्रीन दिया गया है, उसमें भी HD डिस्प्ले दिया गया है। एंड इसके अलावा ये दोनों स्मार्टफोन्स में 720x1440 pixels का स्क्रीन रेजोल्यूशन दिया गया है, 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो भी दिया गया है एंड प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास भी दिया गया है। एंड अगर हम लोग मोटरोला E5 प्लस के बैक पैनल के बारे में बात करें तो ये स्मार्टफोन एकदम कर्व्ड स्मार्टफोन है, ताकि हाथ में भी अच्छे से फिट हो सकता है एंड इसके एजेस भी राउंडेड हैं। तब आगे बढ़ते हुए प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं तो ये अगेन ये दोनों स्मार्टफोन्स में 1.4 GHz का ऑक्टोकोर प्रोसेसर दिया गया है, बट मोटरोला E5 प्लस में स्नैपड्रैगन 430 का चिपसेट यूज़ किया गया है, जबकि मोटरोला E5 में स्नैपड्रैगन 425 का चिपसेट यूज़ किया गया है। हालांकि ये दोनों में कोई भी इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड आगे बढ़ते हुए हम OS के बारे में भी बात करें तो ये दोनों स्मार्टफोन्स विल रन ऑन लेटेस्ट एंड्रॉयड ओरियो 8.0। अब रैम एंड इंटरनल स्टोरेज के बारे में बात करते हैं तो मोटरोला E5 प्लस में 3GB रैम रहेगा विद 32GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज, जबकि मोटरोला E5 में केवल 2GB रैम रहेगा विद 16GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज। एंड ये दोनों स्मार्टफोन्स में डेफिनेटली एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड स्लॉट से मेमोरी को एक्सपेंड कर सकोगे। एंड अभी मेमोरी कार्ड स्लॉट के बारे में बात करें तो ये दोनों स्मार्टफोन्स में एक डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट दिया गया है। एंड इसके अलावा मोटरोला E5 प्लस एंड मोटरोला E5 ये दोनों स्मार्टफोन्स डुअल सिम सपोर्ट करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ऑप्टिक्स के बारे में बात करते हैं तो ये दोनों स्मार्टफोन्स के रेयर पैनल में सिंगल कैमरा सेटअप ही दिया गया है। तो मोटरोला E5 प्लस के प्राइमरी कैमरा यानी कि रेयर कैमरा की बात करें तो उसमें 12 MP का कैमरा दिया गया है एंड उसका अपर्चर है f2.0 एंड उसमें भी LED फ्लैश इंक्लूड किया गया है एंड फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस जैसे फीचर्स भी इंक्लूड किए गए हैं। एंड मोटरोला E5 के कैमरा के बारे में बात करें तो उसका रेयर कैमरा यानी कि प्राइमरी कैमरा 13 MP का है, उसमें भी LED फ्लैश दिया गया है एंड उसका भी अपर्चर f2.0 है। तो अगर सेल्फी कैमरा के बारे में बात करें तो मोटरोला E5 प्लस एंड मोटरोला E5 ये दोनों स्मार्टफोन्स का फ्रंट कैमरा 5 MP का है एंड उसमें भी LED फ्लैश इंक्लूड किया गया है। ये अच्छी बात है बिकॉज अगर आपको लो लाइट में सेल्फी इमेजेस क्लिक करना है तो डेफिनेटली LED फ्लैश लाइट की वजह से आपके इमेजेस काफी ज्यादा अच्छे आएंगे। तो चलिए जो ऑप्टिक्स की बात थी, अब बैटरी के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मोटरोला E5 प्लस में 5000 mAh की बैटरी है, बट मोटरोला E5 में केवल 4000 mAh की बैटरी है, विच इज अगेन नॉट बैड। एंड ये दोनों स्मार्टफोन्स में 10W का चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है, यानी कि क्विक चार्जिंग भी हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये दोनों स्मार्टफोन्स के कनेक्टिविटी एंड सेंसर्स के बारे में बात करते हैं। तो ये दोनों स्मार्टफोन्स डेफिनेटली 4G वॉइस ओवर LTE तो सपोर्ट करेंगे ही एंड इसके अलावा इसमें वाईफाई बैंड 802.11ac दिया गया है, ब्लूटूथ वर्जन 4.2 दिया गया है, GPS ग्लोनास है, इसमें FM रेडियो भी दिया गया है, 3.5mm का ऑडियो चेक भी है एंड इसमें चार्जिंग के लिए माइक्रो USB पोर्ट दिया गया है। एंड अगर सेंसर्स के बारे में बात करते हैं तो ये दोनों स्मार्टफोन्स के रेयर पैनल में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है एंड इसके अलावा इसमें एम्बिएंट लाइट सेंसर है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर दिया गया है, एक्सेलेरोमीटर जैसे सेंसर्स भी इंक्लूड किए हैं। तो फ्रेंड्स ये थी बात मोटरोला E5 प्लस एंड E5 के फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो चलिए प्राइस के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि दोनों स्मार्टफोन्स बजट रेंज स्मार्टफोन्स हैं,
तो मोटरोला E5 प्लस का प्राइस इंडिया में सेट किया गया 11,999 विच इज ऑलमोस्ट 12,000 जबकि मोटरोला E5 का प्राइस सेट किया गया 9,999 विच इज ऑलमोस्ट 10,000 एंड डेफिनेटली मोटरोला ने बजट रेंज स्मार्टफोन में अपने दोनों स्मार्टफोन्स को लॉन्च करके दूसरी कंपनीज को भी काफी तगड़ा कॉम्पिटिशन दिया है एंड ऑफकोर्स मैं कह नहीं सकती कि स्मार्टफोन्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं बट प्राइस रेंज के हिसाब से ये स्मार्टफोन्स अच्छे हैं तब लॉन्च डेट के बारे में बात करते हैं तो ये स्मार्टफोन्स 11 जुलाई से ऑलरेडी अमेजोन पे अवेलेबल रहेंगे एंड ये दोनों स्मार्टफोन्स एक्सक्लूसिवली अमेजोन स्मार्टफोन है यानी कि ऑनलाइन सिर्फ अमेजोन पे ही मिलेंगे ऑफकोर्स अभी ये स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे हैं तो इसके साथ काफ़ी नेटवर्क प्रोवाइडर्स के भी इंट्रोडक्टरी ऑफर्स तो रहेंगे ही तो डेफिनेटली आप अमेजोन चेकआउट तो चलो अब अवेलेबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो ये दोनों स्मार्टफोन्स 11 जुलाई से एक्सक्लूसिवली अमेजोन पे अवेलेबल रहेंगे यानी कि अमेजोन एक्सक्लूसिव स्मार्टफोन्स है एंड ऑफकोर्स अभी लॉन्च हुए तो ये स्मार्टफोन्स के साथ आपको काफ़ी सारे इंट्रोडक्टरी ऑफर्स भी मिल जाएंगे तो फ्रेंड्स ये थी बात मोटरोला E5 प्लस एंड E5 के बारे में एंड अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए शेयर कीजिए प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल टेक जीनी थैंक यू फॉर वॉचिंग